मेरे भीतर जो हो गया है वह तुम्हारे भीतर होना है। बुद्ध ने कहा है अपने एक शिष्य को कि तू चिंतित ना हो, तू दुखी मत हो, तू परेशान मत हो, क्योंकि मैं भी तेरे ही जैसा चिंतित था, तेरे ही जैसा दुखी था, तेरे ही जैसा परेशान था। एक दिन था मैं तेरे जैसा था, एक दिन होगा कि तू मेरे जैसा हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों स्वभावतः एक जैसे। अब मैं आनंदित हूं, अब मैं प्रसन्न हूं, तू जरा मेरे करीब आ, गौर से मुझे देख, ये तेरा भविष्य है। तू मेरा अतीत है, मैं तेरा भविष्य हूं। वीणा, यही मैं तुझसे कहता हूं, तू मेरा अतीत है, मैं तेरा भविष्य हूं। यही तो सारे गुरुओं ने अपने शिष्यों से कहा है। सत्संग का और अर्थ क्या होता है? इतना ही अर्थ होता है कि गुरु के दर्पण में अपने भविष्य की छाया को देख लेना। आनंद होगा, रस विभोर हो उठोगी। और कहा कि चार दिन से सो नहीं पाती, पुरानी नींद भी गई, पुराने सपने भी गए, नींद की भी गुणवत्ता बदलेगी, जल्दी ही बदलेगी। एक नए ढंग की नींद आनी शुरू होगी, एक ऐसी नींद जिसमें आदमी सोया भी होता और जागा भी होता, एक ऐसी नींद जिसमें शरीर सोया होता है और प्राण जागे होते और भीतर चेतना का दिया जलता ही रहता है। पुरानी नींद तो गई, और अब कोशिश भी मत करना उसको लौटाने की, लौटाई भी नहीं जा सकती, मैं उसे लौटने भी नहीं दूंगा। अड़चन होगी, कठिनाई होगी, नींद ना आए रात भर तो लगेगा कुछ खाली खाली हो गया। घबराना मत, जल्दी ही एक नई नींद इसका स्थान लेगी। पुराने को स्थान खाली करने दो, नया मेहमान आता ही होगा। घर खाली हो जाए पुराने से तो नया आ जाए। नई नींद आएगी अब, योगियों ने उसको स्वान निद्रा कहा है, जैसे कुत्ता सोता है और जागा भी रहता है, जरा सी खनक हो जाए और खड़ा हो जाता है, जरा सी आवाज हो जाए और आंख खोल देता है। कृष्ण ने कहा है जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। क्या कहा है? इसका कोई मतलब ये थोड़ी कि योगी बैठा रहता आंख खोले अपना छप्पड़ देखता रहता। आंख तो उसकी भी बंद होती है, देह तो उसकी भी सो जाती है, लेकिन कुछ है भीतर जो नहीं सोता, कुछ है भीतर जो जागा रहता है, चैतन्य जागा रहता है। अभी हालत ऐसी है कि तुम राह पे चलते हो, बाजार में काम करते हो, दुकान पर बैठते हो, सब करते हो और सोए हुए हो। अभी तुम जागे हो नाम मात्र को, वस्तुतः सोए हो। तब योगी सोता है नाम मात्र को, वस्तुतः जागा होता है। अभी तुम्हारा दिन भी रात है, तब तुम्हारी रात भी दिन हो जाती। जल्दी ही वैसी घड़ी भी आएगी, और जो प्रतीक्षा करते, जो धीरे से प्रतीक्षा करते, उनकी झोली निश्चित अपूर्व अनुभवों से भर दी जाती। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, मुझे पता है, मुझे ख्याल में, जो मुझसे जुड़े हैं उनमें से एक एक का मुझे पता है, कौन कहां है, कौन के भीतर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। जिस दिन मैंने तुम्हें संन्यास दिया उस दिन से ये मेरा उत्तरदायित्व हो गया कि जीवन में कि मृत्यु में सब तरफ सब जगह तुम्हें साथ दूं। तुम्हारी तैयारी भर होनी चाहिए साथ लेने की। मेरे हाथ कितने ही दूर तुम हो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे।